नहीं, मैसूर पुलिस सेकंड टाइम आई है, इसके पहले भी जो जेसी हुई थी, पहले दिन पहली बार हुआ कि इतने बड़े केस में जज साहब ने आदिल को जेसी दे दी, जुडिशल कस्टडी। बट हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पहले पुलिस कस्टडी होनी चाहिए थी फिर जेसी होना चाहिए थी। बट अभी पुलिस कस्टडी हुई है यहाँ पे, जब हम लोगों ने केस लड़ा तो पुलिस ने ये कहा कि 80% तो सबूत सब आ गए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आए हैं 80%, क्योंकि जो मेन तो 80% 100% प्रूफ तब होंगे जब उनके दोनों फ़ोन हाजिर होंगे, पुलिस कस्टडी में होंगे, क्योंकि सारा गुनाह सारा क्राइम फ़ोन में ही है। जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया था उस टाइम से लेकर रात तक उनको जेल में डाला गया, पूरा दिन फ़ोन उनके पास था, क्योंकि आप पूरी मीडिया बाहर थी और वो अंदर से मुझे जब मैं कंप्लेंट लिखवा रही थी पूरा मुझे रात तक फ़ोन आए हैं, रात तक फ़ोन आए हैं, तो मतलब फ़ोन तो उन्हीं के पास था, दोनों आईफोन। यानी इनके कहने का मतलब इन शॉर्ट कि जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा था तब भी फ़ोन उसके पास था, और जब ऑफिशियली उसको अरेस्ट किया गया उसके बाद भी फ़ोन उसके पास था। यानी कि रात के राखी के मुताबिक 11:30-12 बजे तक राखी को कॉल आ रहा था, जब मोबाइल उसके पास था तो फिजिकल फिक्सिंग के बाद उस मोबाइल फ़ोन को अपने पास क्यों नहीं लिया पुलिस ने, ये सवालिया निशान है। हालांकि हमारा कोई कंप्लेन मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं है, हमें पूरा भरोसा है मुंबई पुलिस से, उनके कार्यप्रणाली से, लेकिन हमें उस ऑफिसर पे कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कि आखिरकार वो मोबाइल फ़ोन उसने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसी मोबाइल में राखी के मुताबिक वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, जिसको लगातार राखी ने हाईलाइट किया है और मीडिया के समक्ष पुलिस के समक्ष स्टेटमेंट में कहा है कि उसके कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोस लिए गए। तो ये एक बहुत एविडेंस, महत्वपूर्ण एविडेंस था वो मोबाइल फ़ोन, जिसको लेने में कहीं ना कहीं वो पुलिस अधिकारी चूक गया। अब क्यों चूक गया ये वो जाने और डिपार्टमेंट जाने, हम डिपार्टमेंट से गुहार लगा रहे हैं और संपर्क में हैं कि ये इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे ऐसे ऐसे वीडियोज़ है जो हमारी हनीमून के, हमारे पर्सनल ऐसे ऐसे वीडियोज़ है जो आदिल ने अपने स्नैपचैट से किसी और को भेजे हैं, आप समझ रहे हो, आदिल के अकाउंट से बहुत सारे वीडियो ऐसे गए हैं, और सामने वाला बंदा मुझे धमकी दे रहा है। आपने सुना, वो देखा था कि अगर तुम चुप नहीं रही, आदिल के बारे में बार बार वीडियो के बारे में पूछा तो मैं तुम्हारे सारे वीडियो वायरल कर दूँगा। वो सारा मेरे पास मैसेजेस है जो मैंने पुलिस को दिए हैं, आपने कोर्ट पे भी पेश किए वो सारे मैसेजेस, एडवोकेट को दिए हैं मैंने, तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ दलीलें, मुझे तो नहीं पता कोर्ट का। देखिए इतनी जल्दी ट्रायल तो शुरू नहीं हो सकता ना, शर्लिन एक लॉयर भी हैं, होने वाली बहुत जल्दी, एडवोकेट हैं, ये जानती हैं, ये पढ़ रही हैं कि ट्रायल इतनी जल्दी शुरू नहीं होता, अभी प्राइमा फेसी अभी तो हियरिंग चलती है, दोनों डिपार्टमेंट दोनों ही पक्ष अपनी दलीलें सामने रखते हैं। ये कोर्ट बोर्ड में आने में तकरीबन 4-5 साल लग जाएगा, चार्जशीट के बाद 4-5 साल भाई, इतना तो टाइम लगता है बोर्ड में आने के लिए, और फिर उस पे बाद ट्रायल शुरू होगा, हो सकता है जल्दी भी आ जाए, लेकिन आज लोड इतना ज़्यादा है कोर्ट के बाद, कोविड के 2 साल के बाद के आज शायद हियरिंग होने में स्टार्ट होने में ट्रायल शुरू होने में टाइम लगेगा। तो जब ट्रायल शुरू होगा तब विस्तार से बातचीत होगी दोनों पक्षों की दलीलें, अभी तो बड़ा प्राइम फेसी है यार, अभी तो अरेस्ट किया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने उसको पहले जेसी दी, बाद में पीसी दिया, बाद में जेसी दे दी। शर्लिन आपका क्या टेक है इस पे, जिस तरह ये केस नए नए रूप ले रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे, आप राखी जी को सपोर्ट कर रहे हो, कई दिनों से सपोर्ट कर रहे हो, आपका क्या टेक ऑन? देखिए जब राखी सावंत की शादी हुई मुझको और राखी के सभी चाहने वालों को, शुभ चिंतकों को ऐसा लगा कि बॉलीवुड की राजकुमारी को उनका राजकुमार मिल गया, लेकिन धीरे 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 हमारे सामने उस राजकुमार की असलियत आने लगी और हमने ये जाना कि वो असल में दुनिया का सबसे बड़ा ठग है जो महिलाओं को ठगता है। राखी के साथ शादी करने के बाद भी उस बंदे के गैर महिलाओं के साथ संबंध थे, वो बंदा ऑन कैमरा कुरान पर हाथ रखकर ये कसम खाता है कि वो राखी के साथ बेवफाई नहीं करेगा, राखी को धोखा नहीं देगा, इस रिश्ते को पाक रखेगा, इस रिश्ते की इज्जत करेगा। लेकिन हुआ क्या, वो सब एक ड्रामा था, उसको शर्म आनी चाहिए, उसकी जो घिनौनी मानसिकता है उस मानसिकता को कोई पसंद नहीं करता है। समाज में लोग किसे हीरो मानते हैं, उस शख्स को हीरो मानते हैं जो अच्छाई को चुने ना कि बुराई को, उस इंसान को हीरो मानते हैं हम
या हीरोइन मानते हैं जो अच्छाई को चुने, और आज हम देख रहे हैं कि कैसे राखी अपनी जिंदगी में एक हीरोइन के तौर पर उभर कर आ रही है। अगर वो कमज़ोर होती तो मेरे ख्याल से अभी तक उसने कोई गलत कदम उठा लिया होता। हमने देखा है कि कैसे साबरमती नदी में एक मुस्लिम महिला ने अपनी जान दे दी थी क्योंकि उसके शौहर ने उसके साथ गलत किया, एक गैर महिला के साथ संबंध बनाकर। आम तौर पर इस देश की पीड़ित महिलाएं जब जब उनके साथ इंसाफ नहीं होता है, दुष्कर्म होते हैं, तब तब वो हिम्मत हार जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राखी सावंत सुबह शाम रात दिन डट कर इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। कभी वो पुलिस थाने जाती हैं, कभी न्यायालय जाती हैं, हाँ वो हाथ पे हाथ रख कर अपने किस्मत को नहीं कोस रही हैं, हाय क्या हो गया अब मैं क्या करूँ, नहीं, उनको पता है कि ये देश संविधान के अनुसार चलता है। वो समझ रही हैं कि कानून की क्या प्रक्रिया है और उस हिसाब से वो चल रही हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है हम सबको उन्हें शाबाशी देनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए उनकी, और हम सब तहदिल से उनके साथ हैं। ना सिर्फ मैं, ना सिर्फ वाहिद भाई, बल्कि मीडिया के तमाम लोग हैं, इस देश के तमाम लोग हैं। मैं जब जब मार्केट जाती हूँ मुझे लोग पहचानते हैं और पूछते हैं कि अरे क्या हो रहा है राखी की ज़िंदगी में, अभी तो आपकी दोस्ती हो गई ना उनके साथ। यानी लोगों को उत्सुकता है ये जानने के लिए कि क्या राखी को इंसाफ मिलेगा, आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्होंने जो अपने पैसे गंवाए हैं 1,60,00,000 रुपए तकरीबन, वो पैसे वापस मिलेंगे इनको? और ये जो शादी हुई है, इस शादी का क्या होगा? क्या आदिल इनसे माफ़ी मांगेगा? क्या वापस आएगा इनके पास? क्या ये शादी टूट जाएगी? क्या डिवोर्स हो जाएगा? क्या होगा? डिवोर्स नहीं होगा बेबी, मैं तो तलाक उसको कभी नहीं दूंगी, मैं तो कभी नहीं दूंगी। आप माफ कर देंगे उन्हें? माफ नहीं करूंगी। आज एक स्टेटमेंट आया उसके वकील का, उसके वकील ने कोर्ट के बाहर ये स्टेटमेंट दिया कि राखी सावंत बार बार पुलिस स्टेशन जाके आदिल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रही है, सेटलमेंट की बात कर रही है। हम उस खबर का कंटेम्प्ट करते हैं। मैंने और भी चैनल्स के इंटरव्यू में कहा कि ये सच्चाई नहीं है। राखी पुलिस स्टेशन अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती थी, आपको पूरा अधिकार है पता करने का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शलिन आप जानती हैं अच्छी तरीके से, अगर आप जाके स्टेटमेंट दे रही हैं और कोई आपके कोई आदिल को लेके उसके कैबिन में आता है और आदिल उनसे बात करता है और उसके द्वारा वकीलों के द्वारा राखी को फ़ोन करके ये कहा गया कि आओ आदिल मिलना चाहता है, राखी ने डिनाई किया है बार बार। अब राखी अगर अपने अपडेट लेने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही हैं और वो आदिल दुरानी वहाँ पे आ रहा है और बातचीत हो रही है तो ये सेटलमेंट की बात कहाँ से हो जाएगी? राखी आज एक आइडल है तमाम लड़कियों के लिए जो आज इस त्रासदी से गुजर रही हैं, जो इस दुविधा से गुजर रही हैं। क्या राखी सावंत कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी? ऐसा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, वो वकील को ऐसा आरोप लगाना ही नहीं चाहिए बेबुनियाद। अगर उसको लगाना ही था तो माननीय ने न्यायालय के सामने लगा था, मीडिया के सामने ट्रायल करके क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? अगर मैं आप अपने अक्यूज के पास जा रहा हूँ तो ये न्यायालय को आप बताइए ना कि साहब देखिए आके बार बार ये हमारे अक्यूज को हमारे क्लाइंट को ये आके प्रेशर कर रही हैं, आप बाहर मीडिया में क्यों आ रहे हैं? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपको चमकने का शौक है तो बिल्कुल चमकिए, आपको अपनी दलीलें देके अपने बिल बढ़ाने का शौक है तो बिल्कुल बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आरोप लगाने से पहले सबूत लाइए। राखी के पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है उन ऑडियोज की जो उनके द्वारा किए गए फोन की, आदिल दुरानी मिलना चाहता है। राखी कह रही है कि मैं नहीं मिल सकती, बोले नहीं एक बार मिल लीजिए। राखी कहती है मैं कैसे आऊं ऑटो रोड, बोले नहीं आप सिर्फ आधार कार्ड भेज दीजिए और मिलने मिलाने का इंतजाम मैं कर लूंगा। क्यों क्यों ऐसे गलत आरोप लगाना, गलत राखी जी ये आरोप तरह मतलब उनके वकील ये कह रहे हैं कि सब कुछ आदिल को फंसाने की चाल है, फ्रेमिंग है। मैं अपने पति को क्यों फंसाऊंगी? मैं उनको बेइंतहा चाहती, बहुत प्यार करती, अपने शौहर को प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। और मैंने 8 महीने से मैं झुलझी हूँ, मैंने सब सहा है, तो उनके वकील के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, इसलिए ये सारे इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। बगैर सबूत के क्या 10 दिन ऐसी जेल में रह जाएगा इंसान? बगैर एनी प्रूफ के, इतने महान हस्ती है, जब तक इन्होंने प्रूफ नहीं देखे तो ये कैसे काम करेंगे, मेरा साथ कैसे देंगे?
बड़े बड़े एडवोकेट बगैर एनी प्रूफ के। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शर्लिन चोपड़ा, राखी सावंत, 36 का आंकड़ा, 36 भी नहीं मैं 72 का आंकड़ा बोलूंगा, 72 का आंकड़ा था। आज शर्लिन चोपड़ा राखी के साथ क्यों खड़ी है? क्योंकि शर्लिन को भी वही दिखाया गया जो पुलिस को दिखाया गया। तो औरत हो या मर्द, कोई भी वो वीडियो देख के, वो मैसेजेस देख के डेफिनेटली राखी के साथ खड़ा होगा। शर्लिन भी इसीलिए खड़ी हुई है। शर्लिन, am I right? बिल्कुल, मैंने वो वीडियोस देखे हैं, बहुत ही अभद्र हैं, आपत्तिजनक हैं, और किसी भी शौहर को अपनी पत्नी के इस किस्म के वीडियोस वायरल नहीं करने चाहिए, साझा नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी, ना अपने दोस्तों के साथ, ना किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ये जो रिश्ता है शादी का, इसकी क्या अहमियत रह जाएगी? कुछ नहीं। तो वो जो कस्में आपने खाए थे इनकी हिफाजत करने की, हाँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा हस्बैंड मेरे वीडियो बना के कैसे भेज सकता है मेरे को। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, रियली कैसे हो सकता है ऐसा।